हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं दिस ब्यूटीफुल डिजाइनर टॉप फॉर एम साइज। सो गाइस, इसको हमने डेकोरेट किया है ग्रोमेट्स की मदद से। आप देखिए, इट्स लुकिंग वेरी ट्रेंडी। चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम डबल फैब्रिक को ले लेंगे। अभी हम इसकी विड्थ लेंगे 24 इंचेस। एंड इसकी हम लेंथ ले लेंगे 37 इंचेस। अभी साइड 27 इंचेस से इसको डबल फोल्ड कर देंगे। फोल्डेड साइड के अपोजिट साइड हमें यहाँ पे 7 इंचेस स्लीव्स के लिए मार्किंग देना है। ये हमारा स्लीव राउंड है गाइस, इसके आगे यहाँ से हमें 1 इंच की मार्किंग दे देना है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे 3 इंचेस और यहाँ पर हम नेक ले लेंगे 7 इंचेस। नेक को यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। सो गाइज, इफ यू लाइक माई ड्रेस देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस। तो गाइज, यहाँ पर हम वेस्ट लेंगे 12 इंचेस। तो गाइज, हमें यहाँ पर सिंपली वेस्ट और स्लीव्स पे जो मार्किंग की है दोनों को ज्वाइन कर देना है। भी मार्किंग को हम कट कर देंगे। गाइज, अभी हम जो पहला नेक कट करेंगे इसको हम थोड़ा छोटा नेक करेंगे कट, जो हमारा बैक नेक होगा। अभी यहाँ पर हम एक पीस को रिमूव कर देंगे और जो हमने नेक की एग्जैक्ट मार्किंग की थी उसको हम कट करेंगे। तो ये होगा हमारा फ्रंट नेक। यहाँ पर 1 इंच क्रॉस स्ट्रिप की मदद से हम नेक को फिनिश करेंगे गाइस। सो गाइस, अगर आपको ये टॉप पसंद आया है तो आप मेरे बाकी के डिजाइंस भी देखें, और ड्रेसेस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर से दबाएं इंस्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए, सो दैट मेरे न्यू अपलोड्स पे तुरंत आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। अब इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करके फिनिश कर देंगे। सेम तरीके से हमें दूसरे पीस का भी नेक फिनिश कर देना है। अभी हमें स्लीव्स बॉर्डर को फिनिश करना है। तो यहाँ पे हमारी स्लीव फिनिश हो चुकी है। सेम तरीके से दूसरे पीस के भी हमें करना है। अब गाइस, जो हमारा शोल्डर है इसको हमें अंदर के साइड एक फोल्ड करके फिनिश कर देना है। तो गाइस, अभी हम डिजाइन देने वाले हैं ग्रोमेट्स की मदद से। ये हमारे ग्रोमेट्स रहे। अब जो हमने यहाँ पे फोल्ड किया था गाइस, इस पर हमें 1 इंच या 1.5 इंचेस पर मार्किंग दे देनी है।
आप अपने हिसाब से गाइस सेट कर लीजिए, आपको 1 इंचेस पर मार्किंग देनी है या 1.5, मतलब जितना भी डिस्टेंस पर आपको ग्रोमेट्स को लगाना है। अब गाइस जो हमारी मार्किंग है उस पर हमें ऐसे छोटे छोटे होल्स बनाने हैं। तो गाइस इन होल्स में अभी हम इंसर्ट करेंगे ग्रोमेट्स। सो गाइस अभी ग्रोमेट रिवेट्स प्लायर टूल से इसको हम अटैच करेंगे। सिंपली इसको हमें प्रेस करना है और हमारा ग्रोमेट सेट हो जाएगा। तो जो भी हमें मार्किंग है उन सभी मार्किंग्स पर हमें ग्रोमेट्स को अटैच करना है। तो दोनों पीसेस पे हमें ग्रोमेट्स लगा देना है। सो गाइज ये हमारा है फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पर हम डिज़ाइन देंगे फिर से ग्रोमेट्स की, इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हम 4 इंचेस पर मार्किंग देंगे। मार्किंग पर हमें नीचे 4 इंचेस फिर से मार्क करना है। अब हमें एक फैब्रिक लेना है गाइस रेक्टेंगुलर, जो इस मार्किंग से थोड़ा बड़ा हो। इसके चारों साइड में फोल्ड करके फिनिश कर देना है। इसकी सेंटर लाइन हमें मार्क करना है गाइस पहले, और फिर जो हमने मार्किंग की थी उसको इसके ऊपर प्लेस कर देना है। तो अभी इस मार्किंग पर गाइस हमें 2 पैरेलल लाइंस ऐसा स्टिच करना है। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। अभी यहाँ पर हम अंदर से कट कर देंगे। यहाँ एंड्स पर हमें छोटे छोटे नॉचेस देना है जिससे प्रॉपर अंदर साइड फोल्ड हो जाए। अभी इन दोनों बॉर्डर्स पर हमें स्टिचिंग दे देना है। दोनों साइड्स पे हमें सेम तरीके से कर देना है। अब यहाँ पर हमें 1 इंच के डिफरेंस से मार्किंग दे देना है, डॉट्स देना है। तो गाइस अभी सेम तरीके से हम इन पॉइंट्स पे ग्रोमेट्स लगाएंगे जैसा हमने नेक पे लगाए हुए थे। एंड फाइनली यहाँ हमें साइड बॉडी को फिनिश करना है। तो दोनों साइड बॉडी के थ्रू हम स्टिच कर देंगे। And we are done guys. Thanks for watching the video. So guys, see you in the next video.